पूरी बालकनी हमारी है यार, पूरी बालकनी हमारी है। देखो स्विंग्स भी है बच्चों के लिए, आप कह रहे थे ना बेटा झूले हैं यहाँ पे। वाह, हम अपने फाइनली अपने कॉटेजेस में आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देख रहे हो आप अपना अपना राज है साहब, अपना राज है। और ये देखो भाई साहब ये व्यू, बहुत बढ़िया रूम। दिस इज द किंग साइज बेड। उफ, बहुत थक गया यार। हम आ गए हैं रिजॉर्ट के अंदर, ग्रीन विलेज इको रिजॉर्ट। इनकी अपनी पार्किंग भी है, इनफ स्पेस है पार्किंग के लिए, आप आराम से यहाँ पार्क कर सकते हो गाड़ी। वाह, आप देखें यहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी लग रहे हैं, अभी पता नहीं कौन से हैं, अभी इनसे चल के पूछेंगे। और पीछे देखें कितना अच्छा सुंदर वैली नज़र आ रहा है। इसी तरफ है जागेश्वर टेम्पल भी, बहुत ही सुंदर वैली यहाँ नज़र आ रहा है। अल्टीमेट व्यू, वाह, ग्रीन हाउस। और हम लोग आ चुके हैं जागेश्वर इस समय, और यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आप देखो कितना बढ़िया व्यू है पीछे, बहुत हाइट पे है। और जो रिजॉर्ट हमने बुक करा है ये है द ग्रीन विलेज इको रिजॉर्ट। यहाँ पर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जागेश्वर मंदिर के अगर आप आसपास देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है रुकने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल रोड साइड पे है, आपको वॉक नहीं करना, ज़्यादा चलना नहीं है, और बिल्कुल आप हाइट पे हो। यहाँ से आपको पूरा लैंडस्केप नज़र आता है, 360 व्यू ऑफ माउंटेन्स आपको नज़र आता है दोनों तरफ, मीन्स रिजॉर्ट के इस तरफ भी, और आप अगर इधर देखोगे तो इस तरफ भी। अभी मैं आपको अंदर से एक्सप्लोर करता हूँ, हम लोग चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं कि कैसा व्यू है। ओके चलिए। और जैसे ही आप रिजॉर्ट में एंटर करते हो तो आपको मिलता है ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स, रोजेस, अच्छा सा वेदर, वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड रिजॉर्ट। के सामने रिसेप्शन एरिया है। वाह, हमारा रूम ऊपर की तरफ है, दिस इज द रिसेप्शन एरिया। और ये रिसेप्शन एरिया भी काफ़ी बहुत सुंदर है, इनका फुली वुड में बना हुआ है। आप देखिए कितना सुंदर ये रिसेप्शन एरिया है, काउच एरिया, आप यहाँ आ सकते हैं। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी इस तरफ आए तो इस रिजॉर्ट में ज़रूर आएँ। दिस इज व्यू फ्रॉम द रिसेप्शन एरिया, nice. चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये जो सामने ऊपर आपको हट दिख रही है ये हमारे रूम्स हैं, हम इधर ही जाने वाले हैं। बस यहाँ पर लिफ्ट नहीं है तो आपको वॉक कर कर ही जाना पड़ेगा। तो अगर कुछ ओल्ड लोग हैं तो मेक श्योर कि, हालांकि इन्होंने रैंप बनाया हुआ है तो आप लोग उनको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। वाह, छोटा सा हल्का सा एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है कि ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर व्यू है, बिल्कुल आप नेचर के बीच में आ जाते हो। अलग अलग एरियाज में अलग अलग हिल्स के हिसाब से इन्होंने अलग अलग एरिया डिफाइन किया हुआ है। एक छोटे एरिया में यहाँ नीचे अलग कॉटेजेस हैं, ऊपर अलग कॉटेजेस हैं, और सारे कॉटेजेस का व्यू जो है वो बहुत सुंदर है। वाओ, चलिए आवाज़ आ रही है ऊपर, लगता है सब फैमिली वाले ऊपर पहुँच गए, और हम भी अब जल्दी से ऊपर पहुँचते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रूम्स। वाओ, इन्होंने रूम्स को नाम दिए हुए हैं, जैसे इन्होंने ये नाम दिया हुआ है पचूली कॉटेज। वाह गुड, आप देख रहे होगे कितना सुंदर एरिया है, और बहुत साफ सफाई भी बहुत रखी हुई है। बच्चों के लिए झूले भी हैं, और अगर मौसम अच्छा हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। हेलो निकिता, ये रहा हमारा रूम्स, अच्छा है व्यू। देखो स्विंग्स भी है बच्चों के लिए, आप कह रहे थे ना बेटा झूले हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पास हो गई ना, चलो यहीं से है ना रास्ता। वाह, और जो उन्होंने ओवरऑल लुक दिया है ना वो बहुत स्टाइलिश दिया हुआ है, पूरा रॉकी
रॉक्स और वुड इन्होंने टच दिया, ऊपर से टीन शेड्स, बहुत सुंदर। मतलब आपको लगता है जब आप आते हो यहाँ पे कि हाँ यार कहीं आए हुए हम लोग। आप इसको ध्यान से देखो, हर एक एरिया बहुत बहुत नीट और क्लीन। वाओ, एक्टिविटी हॉल है सामने, आप यहाँ देखते हैं हम क्या क्या है। वैसे सुना है मैंने पूल, चेस, सारे इंडोर गेम्स, और पूल मीन्स बियर्ड्स टेबल और पूल टेबल अंदर है यहाँ, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। मुझे हाफनी आगे चलते चलते। ओहो, रास्ता कहाँ से है निकिता? अच्छा, ये आ गए, सामने आ गए हमारे रूम्स। ओके माय बॉय, मजा आ गया। वाओ, है ना, अच्छा है ना, मजा आया। हाँ, तो सबसे अच्छे रूम्स हैं हमारे वाले, नन्ना देवी कॉटेज है ना। बस ये आ गए, वेरी गुड। हम अपने फाइनली अपने कॉटेजेस में आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, यहाँ हवा इतनी बढ़िया चल रही है ना। हेलो, से हाय, हाय मिश्का, से हाय, मजा आ रहा है बेटा। आप देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, पूरा वुड से बना हुआ है, और ये रॉकी फील। आपको रूम्स को अंदर से एक्सप्लोर कराता हूँ। क्या जगह है यार ये, ना व्यू देखिए आप, कितना शानदार, कितनी मतलब मजा ही आ गया व्यू। ऐसा लग रहा है बादलों में आए हुए, हवाई जहाज में होंगे। ये हमारा रूम है, देखिए कितना सुंदर रूम है, पूरा जानते हो पूरी बालकनी हमारी है यार, पूरी बालकनी हमारी है, और से चारों तरफ पूरी गैलरी भी हमारी है, रूम तेरा, और यहाँ से ऊपर उसको भी हमारे रूम है, पूरा हमारा एरिया है। देख रहे हो आप, अपना अपना राज है साहब, अपना राज है। और ये देखो भाई साहब, ये व्यू ऐसे कर कर, ये व्यू देखो बेटा, ये व्यू मजा आ जाएगा। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मजा ही आ गया प्रॉपर्टी में। आरती कब होती है शाम को मंदिर में? 6:30 से 7 के बीच में होती है। फिर मंदिर के पट मतलब खुले रहते हैं, आरती के बाद बंद हो जाते हैं। तो अब क्या टाइम हो रहा है? हमारे दो रूम्स तो ये वाले हैं, और दो वो चले गए देखने। सही है ना, मजा आ गया, नाइस। चलिए आपको रूम दिखाते हैं अंदर से। ये हमारा रूम है, सुपर डिलक्स रूम, बहुत बढ़िया रूम। दिस इज द किंग साइज बेड, और इस रूम में इधर हैं दो काउच, आराम से आपकी टेबल, और रूम बहुत स्पेशियस है, सीलिंग पूरी वुडन है। दिस इज द फायर प्लेस इन केस आप विंटर्स में आते हैं, अभी तो यहाँ पर मौसम ऐसा है नहीं, अगर आप विंटर्स में आते हैं तो आप फायर प्लेस पे फायर लिट कर सकते हैं। और वर्किंग स्मॉल डेस्क, आप लाइए लैपटॉप, खुद भी नेचर के बीच में बैठकर अपना काम करिए, बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक दिस इज योर कबर्ड, जहाँ पर आप अपना सामान जो है रख सकते हैं। एंड दिस इज ऑफ कोर्स द ट्वेल्थ, एंड दिस इज द बाथरूम। बाथरूम मेन पार्ट होता है, एंड इट इज स्पेशियस। आई थिंक 6x8 का अराउंड बाथरूम है, और बाथरूम काफी अच्छा है, गीजर है, एंड वेरी नीट एंड क्लीन बाथरूम है। प्रॉपर्टी का नाम है ग्रीन विलेज इको रिजॉर्ट, और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक केटल आपको मिलता है, कप्स मिलते हैं, शुगर जो चीजें मिलती है नॉर्मली मिलते हैं, इवन आपके पास एक छोटा सा अपना एक कूलिंग स्पेस भी है, एक छोटा सा फ्रिज भी है जहाँ अपनी बेवरेजेस आप रख सकते हैं। वाओ, वेरी वेल, वेरी वेल, गुड गुड रूम, गुड रूम। उफ, नीचे रूम्स दो थे, और जस्ट उससे एक फ्लोर ऊपर हमारे दो रूम्स और हैं, अब उधर जा रहे हैं और देखते हैं वो रूम्स कैसे हैं, उनका व्यू कैसा है। बहुत थक गया यार, मगर जगह भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार जगह है। आप आओ तो एक स्टे तो बनता है।
और जागेश्वर जैसी जगह ऐसा ना कि मंदिर भी आप बार बार दर्शन करना चाहोगे, शाम की आरती, सुबह की, तो मंदिर यहाँ से कुल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर मंदिर है, तो आप लोग इजीली अपनी व्हीकल से जा सकते हो। और जिन पर साइकिल्स हैं, या साइकिल्स भी मिलती हैं आपके रिजॉर्ट में रेंट पे, साइकिल्स मिलती हैं? साइकिल्स नहीं मिलती हैं, पहले थी, मैंने इनकी वेबसाइट पे देखी थी, मगर अगर मिल जाए ना कहीं तो आप साइकिलिंग कर कर भी जा सकते हो। और जो ज़्यादा ओवरफिट लोग हैं ना, वो वॉक कर कर भी जा सकते हैं, 3 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं होता, मगर मेरे लिए 300 मीटर ही भारी पड़ रहा है। ये हमारी पर्सनल बालकनी है, इस फ्लोर पे 3 रूम्स हैं, 2 रूम्स हमारे हैं और एक किसी और का, टोटल 5 यहाँ पर सुपर डीलक्स रूम है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट रूम्स हैं, सबसे अच्छे रूम्स इनके यही हैं। और इन रूम्स की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बहुत स्पेशियस बालकनी मिलती है अपनी, और बालकनी के सामने आपको मिलता है नेचर व्यू। देखो यार, व्यू देखो दोस्तों, क्या व्यू है, क्या ग्रीनरी है, वाओ यार, मतलब मजा ही आ गया है ना बेटा, मजा आ गया ना। और आपके रूम के सामने आपको मिलती है एक बड़ी सी ग्लास विंडो, आप अंदर बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, और शाम में आप बाहर बैठ सकते हो, एक बढ़िया सी टेबल, 2 वुडन कुर्सियाँ, चेयर्स, और आप पूरा इवनिंग एंजॉय कर सकते हो, इवनिंग नहीं, आप पूरी नाइट एंजॉय कर सकते हो। आई मस्ट से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है यार। चलो रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रूम कैसे है। चलो अब अनिका, चलो रूम में लेकर चलो, मेरा अनिका बताएगी कि हमारे रूम्स कैसे हैं। वाह, दिस इज टू अ वेरी स्पेशियस रूम, और इसमें हमें एक मिलता है किंग साइज कुचियर। वाह, आप भी बताओगे? चलो आप भी बताओ। अरे कैसा है रूम हमारा, कैसा बेटा रूम? वेरी स्पेशियस ना? हाँ, और बहुत अच्छा रूम है यार, बहुत बढ़िया रूम है। और आपको यहाँ पर इतना बड़ा यार एक पूरा टेबल भी मिलता है, आप क्या नहीं कर सकते इस पे, है ना। एंड टेबल लैंप इज आल्सो देयर, टेलीविजन इज देयर, जैसे टेलीविजन कौन देखेगा, टीवी देखेगा, तो टीवी मैटर नहीं करता। एंड बेड इज वेरी गुड, पूरा वर्क पाइन का है, रूफ इज वेरी गुड, पंखा नहीं मिलता, मीन्स आपको एसी नहीं मिलता, क्योंकि एसी की जरूरत ही नहीं यार, पंखा ही इतना काम कर देता है। पंखा भी सिर्फ सीलिंग वाला नहीं मिलता, आपको वॉल फैन मिलता है, और लिटरली आपको जरूरत भी नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आपको भी एक मिरर मिलता है, और पर्सनल कबर्ड मिलता है आपको इस वाले एरिया में, इन कबर्ड इज अच्छा है, ठीक है, एक दिन तो कपड़ा आ सकते हैं यार। एंड द मेन पार्ट इज द बाथरूम, बाथरूम जितना वो बड़ा था उतना ये बड़ा है, बस मेरे को तो उससे ज़्यादा बेटर ही लग रहा है। गीजर मिलता है आपको, बहुत अच्छी लाइट है, बाहर से अच्छी लाइट आती है, तो डार्क फील नहीं होता। वॉशिंग एरिया एंड द शीट, इट इज सैनिटाइज्ड और बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब इस एरिया में आप आते हो ना तो इट्स वेरी नाइस, प्रॉपर्टी इज वेरी गुड। और स्टाफ भी कोऑपरेटिव लगा यार अभी तक, तो जो भी था, तो रूम्स अच्छे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो यार यही है बालकनी, एक रूम ये है हमारे पास और एक रूम ये है, ये है मेरे ब्रदर इन लॉ संचित से, हाय संचित। Thank you.
देख लो मजा ही अलग है। छोटी सी पगडंडी है, सामने सनसेट हो रहा है अभी। अगर सनसेट मिल गया, अभी हम मंदिर जा रहे हैं टाइम से आ गए, तो सनसेट में तो मज़ा ही आ जाएगा। और इस तरफ है बहुत बढ़िया वैली, सब माउंटेन्स ही माउंटेन्स, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आप लोग। आओ चलो चलो, आप ये देखिए, सब हम आ गए हैं जागेश्वर मंदिर धाम पे। ये मेन टेंपल है इसका। अब चारों तरफ ये जो मंदिर है देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। अभी एक सामने आपको जो पेड़ दिख रहा है, इसको अर्धनारेश्वर पेड़ भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से दो है और ये नीचे से एक है, तो बोलते हैं इसमें शिव और शक्ति दोनों का वास है। एक अद्भुत ही एक तरीके का अलौकिक यहाँ आकर प्रतीत होता है, अपने आप में बड़ी शांति से महसूस होती है यहाँ आकर।